हे गाइस, अगर आपके पास मी टीवी है तो आपने एक प्रॉब्लम जो है वो देखा होगा कि जब आप कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर जो है आप ओके का बटन भी प्रेस करते हो तो भी जो कीबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन नहीं होता है, कीबोर्ड जो है वहाँ पर अपीयर नहीं होता है। तो अब हम आपको यहाँ पर कीबोर्ड को है वो किस तरह से आपको जो है डिस्प्ले करवाना है वो उसका सॉल्यूशन देंगे। तो जनरली क्या होता है कि आपका अगर यूएसबी पेन ड्राइव या फिर कोई भी यूएसबी डोंगल अगर आपने लगा के रखा है तो ये एक बग है टीवी के अंदर या फिर एंड्रॉयड के अंदर की वो जो है वो उसे ओपन नहीं करता है कीबोर्ड को। तो आज हम आपको ये सॉल्यूशन दिखाएंगे कि अगर जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो नहीं करता है तो आपको जो है वो एक अलग से नया कीबोर्ड जो है वो इसमें इंस्टॉल कर देना है जो कि हर बार ओपन होगा, क्योंकि हम जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और हम बार बार जो है वो पेन ड्राइव या डोंगल जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एंड्रॉयड कीबोर्ड, उसे हमने यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर जो है वो कॉपी कर लिया है और हम यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव ओपन करेंगे और जो एंड्रॉयड कीबोर्ड है उसे हम टीवी में इंस्टॉल कर लेंगे। सो लेट मी शो यू हाउ वी डू इट। सो ये रहा कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड टीवी, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको इंस्टॉल करनी है आपके टीवी के अंदर। तो जैसे कि कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली टीवी के अंदर नहीं कर पाओगे, आपको पहले से यूएसबी पेन ड्राइव में कॉपी करना है और उसके बाद आपको पेन ड्राइव टीवी में लगा के उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है आपके टीवी के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और इसको हम क्लोज कर देते हैं और चलिए वापस से हम होम स्क्रीन पर जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सर्च। अब आपको करना है यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे आप और यहाँ पर जाएंगे डिवाइस प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर है ऑप्शन कीबोर्ड का। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है मैनेज कीबोर्ड और मैनेज कीबोर्ड में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड टीवी कीबोर्ड, उसे आपको एनेबल करना है। अब जैसे ही आप उसको एनेबल करेंगे यहाँ पर आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए, ये हो गया एनेबल। और आपको बैक करना है रिमोट से और यहाँ पर है करंट कीबोर्ड, वहाँ जाकर आपको जो है एंड्रॉयड टीवी कीबोर्ड जो है वहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आप जाएंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं सर्च करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर जैसे हम ओके बटन प्रेस करेंगे ये देखिए कीबोर्ड जो है वो पॉपअप हो गया है। तो दिस इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन कि अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आपके टीवी में भी कीबोर्ड जो है पॉपअप नहीं हो रहा है, जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो शायद कोई बग के कारण पॉपअप नहीं हो रहा है, तो आप अलग से एक कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल कर दीजिए और वो कीबोर्ड जो है वो आपको हमेशा पॉपअप होगा जब भी आप सर्च करेंगे कोई भी ऐप में जाकर। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो और इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।